हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लान स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोड़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 11 इंच है। 6 इंच पे हमने मोड़े का निशान लगाकर काटा है। अब हम ऊपर से 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डिपनेस यहाँ पर 10 इंच रखेंगे, तो 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से देखिए बॉक्स बनाएंगे। और अब हम गले का शेप देंगे, कुछ इस तरह से हमने गले का शेप दे दिया है। और अब देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए। और अब हम इसे काट लेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस पैटर्न को हम कागज के ऊपर काटेंगे। इसके लिए देखिए हमने डबल फोल्ड करके पेपर ले लिया है और इस पैटर्न को यहाँ पर रखेंगे। आगे से हम सेम निशान देंगे और पीछे से 1/2 इंच ज़्यादा रखते हुए, और इसे हम काट लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले ब्लाउज के कपड़े को फैलाएंगे, उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैला लेंगे और हर जगह पिन अटैच करेंगे। और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए नीचे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए बीच से कपड़े को काट कर निकाल देंगे। हल्का हल्का कट पूरे गले के ऊपर लगा लेंगे। और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने गले की सिलाई लगा लिया है। अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए हम इसे पट्टी को सिल लिया है डबल फोल्ड करके, इसे हम पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम इस पैटर्न के बराबर से काट लेंगे। देखिए हम ये जो पैटर्न कागज का काटे हैं उस पर हम अटैच करते जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से अटैच कर लिया है और नीचे साइड भी रखकर सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए हम एक पट्टी लिए हैं और इस पट्टी को देखिए हम पहले सिलाई लगा देंगे हल्का हल्का मोड़ते हुए, और फिर दूसरी तरफ से हम अपने इस पैटर्न के ऊपर सिलाई लगाएंगे और मोड़ते हुए पाइपिंग तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए मोड़ते हुए पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा पैटर्न इस तरह से बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे अपने ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे और अच्छी तरह से बराबर रखते हुए हम पिन अटैच कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, अब हम ऊपर साइड में पहले लेस लगा लेते हैं इस तरह से, और फिर अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम ऊपर से लेस लगा लेंगे। देखिए हमने लेस लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए नीचे पीछे से कागज को निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा पैटर्न इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर नीचे का हम प्लेट बना लेते हैं। ये
इधर साइड से भी प्लेट बना लेते हैं। और ये देखिए इसी के साथ हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा।